सवाल है कि मान लीजिए किसी पर शौहर, किसी औरत पर शौहर लापता हो जाता है, तो कोई बहुत वक्त अगर लापता है या कितने वक्त तक लापता है तो वो दूसरी शादी कर सकती है या फिर उसे करना ही नहीं है क्योंकि पता नहीं है कि वो मर की क्या हुआ है उसका, तो इसका क्या आज कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या जवाब है? भाई का सवाल है कि अगर किसी औरत का शौहर लापता हो जाए, मफकूदुल खबर हो, उसकी कोई खबर ना हो, तो वो औरत कितने दिनों तक इंतजार करेगी। इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई वाज़े हिदायत, कोई नस्से सरीह नहीं है, कोई मरफू हदीस इस सिलसिले में नहीं है। अलबत्ता उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो का असर है कि ऐसी औरत 4 साल तक इंतजार करेगी। इस मसले में बहुत ज्यादा इख्तलाफ है उलमा के दरमियान। यहाँ तक कि बाज मजाहिब में तो 80-90 साल तक इंतजार करने की बात की गई है, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं है। सही बात यह है कि या तो आप उमर रजी अल्लाह तआला अनहो के असर पर अगर आप अमल कर रहे हैं, 4 साल तक उसको इंतजार करवा रहे हैं, तो आपके पास एक दलील है उमर रजी अल्लाह तआला अनहो का असर। लेकिन अगर जो वहां का काजी है, वहां का जो हाकिम है, जो काजी है, अगर वो हालात को देखते हुए उससे पहले वो फैसला करना चाहे, जैसे हालात अलग अलग होते हैं, वो जिन हालात में गायब हुआ है, कभी ऐसा हो सकता है कि एक आध साल के बाद ही हमें लगे कि अब वो नहीं मिलेगा, ऐसे हालात मान लीजिए, जैसे किसी मुल्क में जंगी हालात हैं, उन जंगी हालात में बहुत ज्यादा इम्कान है कि हो सकता है अल्लाह ना करे वो कहीं मार दिया गया हो, तो ऐसे हालात में दूसरा हुक्म होगा काजी का। अगर पुरअमन कोई माहौल है, वो आदमी तजारत के लिए निकला था, मुल्क के अंदर अमनो शांति है, तो हो सकता है वो लौट करके आए, ताखिर से आए, तो ऐसे हालात में ज्यादा दिन तक वो इंतजार करवाएगा काजी। तो बहरहाल इसमें सही बात यह है कि जो वहां का काजी है, हालात के एतबार से, हालात को देखते हुए वो फैसला करेगा, और जब हालात इस बात की तरफ इशारा करेंगे कि अब उसके लौटने का इम्कान मौजूद नहीं है, वो शायद उसकी वफात हो गई होगी, गालिब गुमान यही है कि वो अब मौजूद नहीं है, तो उसके एतबार से काजी उस निकाह के फस्क का हुक्म सादिर कर देगा। तो ये अलग अलग हालात में अलग अलग अय्याम उससे इंतजार करवाया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो इसके अंदर सहाबे कराम से जो चीज मिलती है वो 4 साल की है, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असर है। जी शेख, और शेख अगर मान लीजिए उस आदमी को, किसी आदमी को उम्र कैद हो गई, जेल में वो रहेगा पूरी उम्र और वो तलाक भी नहीं दे रहा है अपनी वाइफ को, तो क्या करे वो वाइफ? हाँ बिल्कुल, किसी आदमी को जेल की सजा हो गई उम्र कैद, तो पहली बात तो ये जाने कि उम्र कैद होने से मियाँ बीवी के दरमियान जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, वो खत्म नहीं होता है। ये पहली बात नोट कर लें कि वो रिश्ता फकत जेल होने से खत्म नहीं होता है। अब अगर उसको जेल हो गया है, उसकी बीवी चाहती है कि मैं उसकी जौजियत में ही बाकी रहूंगी, उसके घर में रहूंगी, उसके बच्चों की परवरिश करूंगी, या मैं जो है उसकी जौजियत से बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ, तो उस बीवी को इख्तियार है, वो चाहे तो रह सकती है। लेकिन चूंकि वो जो बीवी है उसके जेल में रहने की वजह से उस बीवी को परेशानी है, और अगर और ये बहुत बड़ा सबब है, ये बहुत बड़ा सबब है उसके पास कि वो चाहे तो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर सकती है। तो अगर ऐसी सूरत में वो तलाक का मुतालबा कर रही है, तो शौहर को चाहिए कि उसको तलाक दे दे, क्योंकि अगर आप उसको तलाक नहीं दे रहे हैं तो ये उसके साथ जरर है। और मैंने निकाह के अहकाम को बताते हुए इस चीज का भी जिक्र किया था कि अगर बीवी को जरर है, किसी शौहर की जौजियत में रहने में बीवी को जरर है, नुकसान है, तो यहाँ पर तलाक देना मुस्तहब है। तो ऐसी सूरत में उस शौहर का उस बीवी को तलाक दे देना ये मुस्तहब है। हाँ, वो बीवी अगर चाहती है कि मैं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रहूंगी आपकी जौजियत में, तो रह सकती है, वरना उस बीवी को तलाक दे देना ये मुस्तहब है। जी शेख, अगर नहीं देता तो खुला ले सकती है ना? हाँ बिल्कुल ले सकती है, बिल्कुल उसे हक है, वो खुला का मुतालबा कर सकती है।